नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल जो गार्डनर हैं वो अपनी फसल पे शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। बने रहिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दे, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि शैम्पू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। शैम्पू का स्प्रे बेसिकली जब आपकी फसल के अंदर कीड़ा लग जाता है, किसी भी तरह का चेपा, मिलीबग या फिर कोई भी पत्ते पे दिखने वाला चिपचिपा पदार्थ, जैसे ये देखिए, या फिर पत्ते के ऊपर ब्लैक ब्लैक से पदार्थ दिखने वाला, ये देखिए, इससे क्या होगा कि पत्ते जो है वो सिकुड़ने लगते हैं, बैक साइड मुड़ने लगते हैं और ग्रोथ इसकी रुक जाती है। वहाँ पे आपको शैम्पू का स्प्रे जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए और कितनी इसमें क्वांटिटी में शैम्पू यूज़ करना चाहिए। तो आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप टैंक से स्प्रे करें तो एक टैंक में आपको 15 ml शैम्पू मिलाना है। अगर शैम्पू 5 ml का है तो आपको 3 पाउच डालने हैं, अगर 10 ml का है तो 1.5 आप डालिए और उसके बाद आपको अपनी फसल पे स्प्रे करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि शैम्पू का स्प्रे कौन सी फसल पे करना चाहिए। शैम्पू का स्प्रे आप किसी भी फसल पे कर सकते हैं जिस पे भी आपको चेपा जैसी बीमारी, मिलीबग जैसी बीमारी दिखे, आप उसी पे स्प्रे कर सकते हैं। जो हमने बताया है कि इनमें से कोई भी आपको लक्षण दिखाई दे तो आप ये शैम्पू का स्प्रे करें। अभी हम बात कर लेते हैं कि शैम्पू के स्प्रे करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, ये सस्ता है और इसे यूज़ करने से फसल पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा, आप जैविक या केमिकल कोई भी आप खेती करते हो आप उसी पे स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा, जब हम पत्तों पे इसे स्प्रे करते हैं तो बहुत सारे पत्तों पे आपके कीट जो अपने पत्तों पे लार्वा छोड़ते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो पत्तों के ऊपर जब हम स्प्रे करते हैं तो जो भी चिपचिपा पदार्थ होता है या फिर इनके अंडे होते हैं, लार्वा होता है, वो सभी धुल जाता है और उनकी ग्रोथ जो है, कीट जो है, वो रुक जाते हैं। चौथा फ़ायदा है, जब आप पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो जो पत्तों के ऊपर धूल होती है, डस्ट होती है, वो सारी निकल जाती है। उसके बाद पौधों की ग्रोथ जो है, एयर प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है और ग्रोथ पौधों की जो है वो अच्छी होने लगती है। अब हम बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये देखिए, बाल्टी में मैंने पानी डाल लिया है। ये 20 लीटर पानी में हमें 15 ml ये शैम्पू मिलाना है। ये एक पाउच मैंने मिला लिया है। ये मेरा जो टैंक है स्प्रे वाला, ये थोड़ा छोटा है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिला के फिर स्प्रे करूँगी। ये देखिए, ये पहले पानी में घोल लीजिएगा अच्छे से, टैंक में डायरेक्ट मत डालिएगा, पहले इसका अलग सा इसको अच्छे से घोल के फिर ही टैंक में डालिएगा, क्योंकि शैम्पू जो है ये थोड़ा अच्छे से घोलना पड़ेगा, नहीं तो स्प्रे पाइप जो है उसमें अच्छे से स्प्रे नहीं होगा। आप कोई भी शैम्पू किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि टैंक के बीच अच्छे से मिक्स नहीं होगा। ये देखिए, मैं एक ये टूल की सहायता से कर रही हूँ
अगर आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो। अच्छे से इसको मिलाना है, जितना अच्छे से मिलेगा उतना ही अच्छा ये लिक्विड स्प्रे बनेगा। जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आपको ये टैंक में डाल देना है। कुछ इस तरह दिखाई देने लगे झाग जब ऊपर, तो फिर इसमें डाल देना टैंक में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। अभी हमने सारा इसमें जो मिक्सअप बनाया था वो डाल दिया। अब इसको लॉक कर लेंगे, बंद करेंगे अच्छे से। अब हम स्प्रे के लिए तैयार हैं। अभी चलिए स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड की हवा है उसके आपने अपोजिट होके स्प्रे करना है, ताकि इसके छींटे जो हैं, बूंदे जो हैं, वो अपने मुंह पे ना आए। स्प्रे करते समय ध्यान रहे कि कोई भी इसका पत्ता जो है वो सूखा ना रहे। अच्छे से पौधे को नहलाना है, अच्छे से पत्ते को धोना है, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। अगर कोई भी साइड बच गई तो वहाँ पे जो इस कीट होंगे तो वो फिर दोबारा से फैल जाएंगे। तो पत्ते को पलट के आप उसमें स्प्रे करें, क्योंकि बैक साइड इसके चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो अच्छे से, ये देखिए जैसे ऐसे करके सभी के सभी पत्ते जो है वो अच्छे से धो लें। आप चाहे कितना भी जहरीला स्प्रे कर दें तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ 10-12 रुपये लगा के तो आप अपने गार्डन में लगे इन कीड़ों से या चिपचिपे पदार्थ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ये दोस्तों मेरा अजमाया हुआ नुस्खा है ये, आप भी एक बार अपने गार्डन में अजमा के ज़रूर देखिएगा और फिर मेरे को बताइएगा इसका रिज़ल्ट आप लोगों को कैसा मिला है। मेरे को तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिला। एक बार ही स्प्रे करने से मुझे कीड़ों से छुटकारा मिल गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे सभी के सभी पौधों में ये चिपचिपा पदार्थ हो गया था, तो एक स्प्रे करने से ही मुझे बहुत हद तक राहत मिली है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने गार्डनर दोस्तों को भी शेयर कर दूं, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों कई गार्डनर तो यूज़ करते ही होंगे और कई गार्डनर जो हैं जिनको नहीं पता है, तो जिनको नहीं पता है तो ये वीडियो उनके लिए है। तो एक बार मेरे कहने पे आप ज़रूर आजमाएं अपने पौधों पे, फिर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बताया है कि शैम्पू का स्प्रे करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में भी ऐसी कोई बीमारी है तो आप शैम्पू का स्प्रे ज़रूर करें, इससे कोई नुकसान नहीं है और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।